Good morning, students. So today I am Dr. Priyanka and I'm going to start with a new chapter, that is biology. And with the biology part, I'm going to start with the reproduction in organisms. This is the first unit of 12th class of NCERT chapter, that is from basically CBSC. And the chapter is all about the reproduction unit, your reproduction in plants. The second chapter will be goes with reproduction in asexual living organisms, your angiosperms, your flowering plants, and then we'll talk about in the second, in the third, and the fourth unit about the reproduction in human beings. Okay, तो चलो बच्चे बात करते हैं reproduction की. तो reproduction की अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो बात reproduction है क्या? छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज समथिंग मेकिंग द कॉपीज, मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपीज फॉर इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स वी आर गोइंग टू मेक द मॉर्फोलॉजिकल एंड द करेक्टर स्केचनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो रिप्रोडक्शन को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगी तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन जनरेशन विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप, वेदर एसेक्सुअल वेदर सेक्सुअल. इन दीज सीरीज we are going to define reproduction and we are going to know about the process of reproduction. So ab baat karte hain ki reproduction ki bache hame zarurat kyu padi, kya hai reproduction aur kyu zarurat pad rahi hai hame reproduction ki, ya kya aisi cheeze hain, kaun se aise organisms hain different jinme reproduction hota hai. To usse pehle hum log baat karte hain ek word ki jise main bolti hu life span. How you are going to define the term life span? तो बच्चे life span अगर मैं इसको बिल्कुल simple way में define करूँ तो life span का मतलब होता है बच्चे जीवन काल या जीवन यात्रा. अब ये जीवन काल is vary from organism to organism on the different organisms living in the planet Earth. अब मैं ये कह रही हूँ कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका लाइफ स्पैन मतलब उनका जीवन काल मीन्स द, अगर इसको मैं बायोलॉजिकल भाषा में डिफाइन करूं, द टाइम ऑफ द बर्थ टू द टाइम ऑफ डेथ इज नोन इज द टाइम इन बिटवीन इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन. तो अगर मैं इस चीज को बात करूंगी तो इस चीज की अगर मैंने बात कर दी लाइफ स्पैन, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म में बच्चे आपका वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो इट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं बट देयर लाइफ स्पैन इज नॉट अराउंड कि वो मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. एट द टाइम व्हेन दे रियलाइज द फैक्ट दे विल रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन. अगर मैं ऐसे डॉग्स की बात करूं तो द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज अराउंड 12 to 13 months. और अगर डॉग्स की ही इटसेल्फ ब्रीड्स की बात करूं तो उनमें भी लाइफ स्पैन वेरी करता है. अगर मैं एक बैम्बू प्लांट की बात करूं तो वो 100 years तक उनका लाइफ स्पैन चलता है. अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं 100 years तक उनका रिप्रोड्यूस करते हैं. ऐसे डिफरेंट लाइफ स्पैन्स की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल भाषा में बच्चे मैं एक लाइफ स्पैन को अगर डिफाइन करूं तो इसमें मैं लिख सकती हूं पीरियड ऑफ बर्थ टिल डेथ और सीरेनिटी फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन योर लाइफ स्पैन. इसको मैं सिंपल भाषा में लाइफ स्पैन कह देती हूँ. अच्छा बच्चे, लाइफ स्पैन के कुछ ना कुछ कैरेक्टर स्केच हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो आदमी जीता ही चला जा रहा है. हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है इट्स अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग टिश्यूज. तो
सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो ये जितना भी आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिमिटेड होता है। अगर उसमें मैं बात करूं व्हेन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी विल डाई, अगर ये खत्म होने की कगार पर होता है, या मैं इसको सिंपल भाषा में और करके कहूं कि व्हेन द सिस्टम फेल्स देन इट मीट्स टू द डेथ, मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल भाषा में मैं डेथ को डिफाइन करूं या सेरेनिटी एज को डिफाइन करूं, सो इट इज नोन एज द पीरियड ऑफ डेथ व्हेन द सिस्टम ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फेल्स, द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड योर लाइफ स्पैन। ठीक है, नेचुरल डेथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंटल डेथ की। ठीक है, अभी एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नेक्स्ट टाइम पे उसको किसी दुर्घटना के वजह से उसका डेथ हो जाता है, दिस इज नॉट द लाइफ स्पैन। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्पैन, जनरल लाइफ स्पैन आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हम लोग मान के चलते हैं कि अराउंड 85 ईयर्स तक एक पर्सन जी सकता है, या ओवर दैट पीरियड टू। एक पैरट का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स होता है, एक एलिफेंट का या टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन अराउंड 150 to 200 ईयर्स होता है। सो इट विल डिपेंड टू ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, बच्चे आप लोगों ने बैनियन ट्रीज देखे होंगे। बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूं तो दैट इज फिस्कस विंगलारिस। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो फिस्कस विंगलारिस का जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 200 इयर्स का होता है। दैट इज द कॉमन नेम फॉर फिस्कस विंगलारिस इज योर बैनियन ट्री। ओके, अच्छा अब हम लोगों ने ये बात की आपके लाइफ स्पैन की। अब अगर मैं बोलूं, अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन की। अब ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि लाइफ स्पैन इतना है तो क्यों हम लोगों को रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत की अगर मैं बच्चे बात करूं तो जो रिप्रोडक्शन की जरूरत है इसीलिए पड़ी क्योंकि एक प्रजाति खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डायनासोर्स की एक प्रजाति की प्रजातियां खत्म हुई, बट द मोमेंट द होल डाइवर्सिटी द होल स्पीशीज विल बी वैनिश्ड इन जस्ट अ वन क्यू, बट उनमें भी रिप्रोडक्शन का सिमिलर प्रोसेस था। इन द सेम मैनर अगर एक स्पीशीज ने जन्म लिया और उसका सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, देन द हाउ द स्पीशीज साइकिल विल मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ वी केम टू नो द स्पीशीज हैड एग्जिस्ट और क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसीलिए बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर स्केच यूनिट्स हम लोग एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन बनाई जाती हैं या बनती है स्पीशीज टू स्पीशीज में बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। इन प्लांट्स वी कैन कॉल देम एसेक्सुअल, इन यूनिसेलुलर वी कैन डिफाइन देम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन इफ आई टॉक्ड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं अगर बात करूं तो वो आपके ह्यूमन बींग्स पे या आपके जो मोस्टली एवोल्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दिखाई जाती है। तो अगर मैं फंक्शंस ऑफ आपके रिप्रोडक्शन देखूं, ठीक है बच्चे, अगर मैं आपके फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करूं तो रिप्रोडक्शन के आप खुद सोचो कि क्या ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं कि क्यों क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट बच्चे आपका फंक्शन है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, दैट मींस कि एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज रिप्लेसमेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरी चीज लाइफ, लाइफ मेंटेनेंस या लाइफ को या स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जरूरी है। दूसरा वेरिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, वेरिएशन, मार्क द पॉइंट, वेरिएशन।
अगर एग्जाम में ये नहीं लिख के आओगे तो नंबर कटते हैं। अगर फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन पूछे जाते हैं एंड द स्टूडेंट विल नॉट गोइंग टू राइट द वेरिएशन, देन द मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द केस। एंड और इसमें से इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा है, दैट इज रिप्लेसमेंट एंड द कंटिन्यूटी। ओके, और क्या हो सकते हैं, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के हैं या क्या प्रोसेसेस हैं। अब चलो बात करते हैं, एक और बच्चे इसमें आ जाता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चे आपका, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज में हम लोगों ने बात करी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर मैं एक स्पीशीज हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और अगर मेरा एक फैमिली है, आई एम बिलोंग टू वन फैमिली, देन देयर इज सम ऑफ द जीन्स कैरेक्टर विच हैज टू बी पास ऑन फ्रॉम माई जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मेरे जीन्स, मेरे फैमिली के कैरेक्टर स्केच मुझ में हैं, और जो मुझ में मेरे फैमिली के कैरेक्टर स्केच हैं वो आगे पास ऑन होंगे टू द माई नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे ही प्लांट्स करते हैं, ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट और वेरिएशन बड़े दोनों क्लोज पॉइंट्स हैं एक दूसरे से। सबसे पहली बात हम लोग वेरिएशन समझते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, और एकदम से ऐसा तो कुछ था नहीं कि जब हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ तो सबसे पहला हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर आ गए थे। नो, ठीक है, इन योर 11th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव स्टडीड द चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बच्चों में जरा सा थोड़ा सा इन विदिन 3-4 लाइंस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जस्ट क्या था उस चैप्टर का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कार मॉडल रिलीज करती है अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मारुति कार की बात करूँ, तो मारुति कार का अगर फर्स्ट मॉडल आया तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लॉन्च करा मारुति 800, ठीक है, दिस इज द बेस मॉडल जो मारुति वालों ने अपना बेस मॉडल निकाला। ठीक है, अब ये जो मारुति कार ने अपना 800 मॉडल निकाला, अब इसमें वो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे थे लोगों को कि ठीक है इसमें 800 सीसी का इंजन देंगे, वो और क्या क्या चीजें देंगे इसमें, ठीक है वो कह रहे हैं कि इसमें पावर स्टेयरिंग नहीं मिलेगा आपको, इसमें एसी नहीं मिलेगा, मतलब इसमें ठीक है आपका इंजन मिलेगा, आपका स्पीड मीटर वगैरह, मतलब बेस मॉडल था ये मारुति वालों का। उसके बाद मारुति ने सोचा कि नहीं, दिस इज आर बेस मॉडल, अब इसी का कंसेप्ट उठाते हुए उन्होंने अपना सेकेंड मॉडल निकाला, दैट इज मारुति ऑल्टो 800। डिफरेंसेस इसमें क्या थे कि ठीक है इनका इंजन जो था वो 800 सीसी का ही था, लेकिन इसके पावर विंडोज भी थे इसमें अवेलेबल, इसमें एसी भी अवेलेबल था। फिर उन्होंने एक और मॉडल निकाला मारुति का, अपना ही एक और मॉडल लगा आल्टो VXI LXI, इसमें थोड़ी सी और फैसिलिटीज दे दी, पावर बैग्स की, एयर बैग्स की, और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कंफर्टेबल जोन बनाने के लिए। ठीक है, फिर मारुति ने ये जो बेस मॉडल था, अब आप मुझे बताओ क्या मारुति वाला मॉडल, आपका मारुति 800 वाला मॉडल और क्या आपका स्विफ्ट का मॉडल दोनों सेम है? नो, मैं नहीं कह सकती। फिर मारुति वालों ने एक न्यू मॉडल निकाला जिसको उन्होंने नाम दे दिया स्विफ्ट। अब उन्होंने स्विफ्ट का एक बेस मॉडल निकाला, लेट सपोज LXI। अब LXI में उन लोगों ने उनका इंजन 1200 सीसी का था, ठीक है, वो जो 1200 सीसी का इंजन था उसके बाद उन्होंने VXI निकाला, फिर CNG, ऐसे ऐसे वो मॉडल, और फिर अचानक से एक टाइम आया जब वो मॉडल चेंज हो गया। यही कंसेप्ट आप लोगों ने अपना एनिमल किंगडम चैप्टर में लगाना है कि जब सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई, लिविंग स्पीशीज की शुरुआत हुई, तो बच्चे सबसे पहला मॉडल आपका जो निकला वो था पॉरीफेरा। अब जो पॉरीफेरा निकला उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं इवेबोरेट थे, कोई इतना फीचर्स आपके नहीं आए हुए थे कि क्या नहीं, सिर्फ उसमें एक कुछ स्पीशीज थे, कुछ एक स्पेशलाइज फीचर्स थे, जैसे थोड़ा सा एक स्पीशीज के एक फीचर की बात कर सकते हैं ऑस्टियम, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ फीचर था उसमें, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर था उस ऑर्गेनिक का, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती गई, जैसे वो स्पीशीज में सेलुलर डिवीजन स्टार्ट होते गए,
अचानक से हम लोगों को एक टाइम ऐसा आया जब वो मॉडल चेंज हो गया। इससे बच्चों हम लोगों को एक कंसेप्ट पता चलता है, इंटरब्रीडिंग वेरिएशंस और द एक्स्ट्रा ब्रीडिंग वेरिएशंस। इसमें दो टर्म इसमें मैं आपको इसीलिए डिफाइन कर रही हूँ। इंटरब्रीडिंग वेरिएशंस का बच्चे है कि जाति से जाति में वेरिएशंस आ रहे हैं ड्यू टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी दिखाई दे जाएंगे, वो क्यों दिखाई दिए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन में ये वेरिएशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट इंटरब्रीडिंग में जैसे ये मॉडल चेंज हो गया, पहले 800 का सीसी का इंजन था लेकिन वो थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए उन्होंने एसी दे दिया, पावर विंडोज दे दी, उसके बाद उसने उसको और बेटर बनाया। और जब उनको ये लगा कि नहीं बस ये हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, तब उन लोगों ने ये जो मॉडल था उसको चेंज करके कंसेप्ट ही बदल दिया, उन्होंने स्विफ्ट का कंसेप्ट लिया। ऐसे जब जब ये इंटर वेरिएशन जो आपकी इंटर वेरिएशन जो आपकी एवोल्यूशन चल रही थी, जो आपके वेरिएशन चल रहे थे, एट वन स्टेज वो रुक गए और अपने हाइएस्ट लेवल पे पहुंच गए, तब वो उस कगार पर आ गए कि वो मॉडल चेंज कर दिया गया। फिर उन्होंने दूसरा मॉडल आपका कौन सा लिया है, मेड्यूसा वाला। उस मेड्यूसा वाले मॉडल में जो आपका सेकंड किंगडम था, दैट इज व्हाट इज योर सेकंड किंगडम जो आपका आया, उसके बाद आपका नाइडेरिया, सीलिंट्रेटा, आपका प्लेटी हेलमेंट्स, आपका एसकी हेलमेंट्स, फिर आपके कॉर्डेटा ग्रुप, हेमिकॉर्डेटा, इक्नोडाटा, so these were the stages, फिर आपके reptiles है, classes है, so it will be the classification of your animal world, and the most highly evolved organisms will be whom, हम लोग थे, human beings, mammals के most evolved organisms will be called as the human beings, हम लोगों को बोल दिया गया। अब ऐसे ही ये मैंने आपसे बात करी छोटी सी variations के बारे में। अब ऐसे बच्चे variations आना इसलिए जरूरी होता है कि हमारे डीएनए के पास एक कैपेबिलिटी होती है खुद को मोल्ड करने की। अब अगर मैं बात करूं पेंगुइन्स की, पेंगुइन्स आपके एंटार्क्टिका रीजन में रहते हैं, दे कैन विदस्टैंड 0 degree Celsius टेम्परेचर, ठीक है, 0 degree Celsius का तापमान वो अपना एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो 0 degree Celsius का जो तापमान है वो उसको रेजिस्ट अटेन कर सकते हैं। बट क्या हम लोग रह सकते हैं वहां पे, नहीं, हमारे डीएनए के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना सडन चेंज कर लेगा। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे वेरिएशन, जो भी आपका बच्चे एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो एकदम से नहीं सामने आता, ये एकदम से दिखाई नहीं देता। अगर मैं बच्चों से पूछने लगूं कि चाइनीज लोगों की जो फेस स्ट्रक्चर है, जो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, वो हमसे डिफरेंट क्यों है, ऐसी अगर मैं बात करूं ब्राजीलियन पीपल के या अफ्रीकन पीपल के, उन लोगों के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्केच हैं वो हम लोगों से डिफरेंट क्यों है, ऐसे अमेरिकन ब्रिटिश पीपल की क्यों है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन विद द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन। धीरे 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 उनका डीएनए मोल्ड होता गया, ज्योग्राफिकल अडेप्ट होता गया, और यही अडेप्टेशन एक बड़ा चेंज ले आई उनके स्पीशीज में, जिस जगह के लोग थे उस स्पीशीज में एक बड़ा चेंज ले आई, और उसको मैंने बोल दिया ज्योग्राफिकल अडाप्टेशन। और ज्योग्राफिकल अडाप्टेशन जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ के एक प्रत्यक्ष चेंज मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उस टर्म को एवोल्यूशन डिफाइन कर दिया। तो बच्चे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं बोल रही हूँ वेरिएशन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये कहावत बोलते हैं ना कि बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है, तो इसका ये मतलब है क्योंकि जो जीन्स आपके हुए हैं, मतलब जो जीन्स आपके वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पे कैरेक्टर स्केच हुए हैं वो वेरिएंट होके हुए हैं, सेम नहीं हुए। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, द चेंजेस आर रियली वेरी माइन्यूट। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे बारे में आपकी बात करूं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जितने भी चेंजेस आते हैं दे आर वेरिएटेड, उनमें वेरिएशंस होती हैं, और जब ये वेरिएशन एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है उस प्रोसेस को मैं बोल देती हूँ एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं ये आते हैं आपके डीएनए मोल्डिंग की वजह से, डीएनए वेरिएशंस की वजह से, आपके मियोसिस माइटोटिक प्रोसेस के, मदर फादर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके वजह से, सो इट विल बी ऑन द थ्रू दिस, ठीक है। सो वेरिएशन इज द सम इज द वेरी, क्योंकि अब द टेम्परेचर इज नॉट स्टेबल इन द अर्थ,
टेम्परेचर अर्थ का स्टेबल नहीं है, ऐसे ही कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सेम नहीं है अर्थ की, तो हाउ कैन कि जो स्पीशीज पहले आई थी वो अभी तक इस टेम्परेचर को एग्जिस्ट कर पाए। अब हमारे मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं इतना पोल्यूशन है हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते बट हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, वी कैन सर्वाइव इन द सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज आर डीएनए हैड द कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड दीज चेंजेस इन द टेम्परेचर, बट मे बी आगे जो कंडीशंस एटमॉस्फेरिक आए या जो भी फिजिकल वर्ल्ड में है वो हम लोग विदस्टैंड ना कर सके बट हमारी जनरेशन कर सके, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो मोर केपेबल है या मोर एवोल्यूटेड हो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है एवोल्यूशन का प्रोसेस धीरे 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 चलता रह रहा है, ज्योग्राफिकल मोल्डिंग ऑफ डीएनए, ज्योग्राफिकल अडाप्टेशन कंटिन्यूसली होती जा रही है। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन को करता है कि कौन सी ब्रीड में कौन सा रिप्रोडक्शन लगना है, कैसे रिप्रोड्यूस होना है, किन जगहों पे रिप्रोड्यूस होना है, क्योंकि बच्चे रिप्रोडक्शन इज वेरी स्पेशल प्रोसेस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, बायोलॉजिकल सेम यूनिट, मॉर्फोलॉजिकल सेम कैरेक्टर स्केच यूनिट एक हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉपुलेशन ऐसे ऑर्गेनाइज हो रही है, ये पॉपुलेशन वैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, इन सारी चीजों के लिए आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट। अब अगर हम बात करेंगे कि एक इसके बेसिक फीचर्स की, दीज आर द जनरल फीचर्स, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं बेसिक फीचर्स के बारे में, तो बच्चे बेसिक फीचर्स के बारे में आप अगर सोच सकते हो तो बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अगर बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करोगे तो बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपके क्या क्या आते हैं। सो फर्स्ट इज बच्चे आपका रेप्लिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय नंबर ऑफ बेसिक फीचर्स, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस, फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस या और यू कैन रादर से फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एंड नेक्स्ट इसमें कौन बेसिक फीचर्स में क्या आ जाता है, डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल का डिवीजन बच्चे, ठीक है, सेल का डिवीजन, नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ सेल्स, और क्या क्या जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट, और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आपके, एंड मेंटेनिंग द नंबर, ओके, मेंटेनिंग द नंबर में। अब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अब उसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं प्लांट्स की सिंपल से बात करूं, तो प्लांट्स में एक सीड का बनना, फ्लावर का बनना, एक स्पेशल और स्पेशलाइज ऑर्गन से बनने से लेकर उसके लास्ट सीड फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन और सीड के डिस्पर्स होने तक का एक प्रोसेस पूरा मैं रिप्रोडक्शन मानती हूँ। उसमें कितना सारा प्रोसेस आता है, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई, उसके बाद उस प्लांट का, उस प्लांट में जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ओवरी बनी, ओव्यूल बना, सब कुछ बना, एंड देन विल आई कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोसेस इज नोन एज, उसमें क्या हुआ आपका डिवीजन ऑफ सेल्स भी हुआ, सेल डिवीजन इज द मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें दो गेमेट्स इन्वॉल्व थे, एक फादर का एक मदर का, हेटरोट्रोपिक भी थे, होमोजाइगोटिक भी थे, आपके हेट्रोजाइगोटिक भी थे, और भी बहुत सारी स्पीशीज थी जो चलती रही। एंड अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो अगेन दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मदर एंड फादर, उसके बाद उनके दो गेमेट्स इन्वॉल्व है, स्पर्म्स एंड योर एग दैट इज कॉल्ड ओव्यूल,
फिर उनका फर्टिलाइजेशन, फिर मियोसिस, फिर माइटोटिक, फिर जायगोट फॉर्मेशन, फिर टू सेल स्टेज, फिर फोर सेल स्टेज, हाउ यू आर गोइंग द सेल्स विल गोइंग टू डिवाइड। फिर जो ट्रोपोब्लास्ट था वो मदर के यूट्रस पे अटैच हो जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लांटेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द थर्ड चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन अगेन द होल प्रोसेस स्टार्ट फॉर द 9 months। 9 months में एक फीटस का हार्ट से लेके, ब्रेन से लेके, लंग से लेके सब डेवलप होता है। तो जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड द फीटस विल कम आफ्टर द पास्चुरेशन डिलीवरी पीरियड फ्रॉम द मदर्स वूम, उस तक वो उस पीरियड तक हम लोग कह देते हैं रिप्रोडक्शन। द टाइम व्हेन द फीटस इज डिलीवर्ड, उस फेज को भी हम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जितना भी आपका पीरियड है, ये जितना भी आपका प्रोसेस चल रहा है बच्चे, इस सब को आप क्या देते हैं, रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम लोग अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम भी आते हैं और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज किंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वेरियस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आप रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चे सबसे पहले एक आपका आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं मन मन में आप खुद से सवाल करें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, दूसरा आपका फिजन, फिजन होती हैं आपकी, तीसरी अगर मैं बात करूं और कौन सा तरीका है, तो जो आपका तीसरा है वो आपका है रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें होती है, कौन से छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये पावर आज तक रिटेन्ड है। एग्जाम्पल शायद इस ऑर्गेनिजम्स के नाम से आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दैट इज प्लनेरिया। ठीक है, प्लनेरिया का वो स्ट्रक्चर याद है जो छोटी क्लासेस में हम लोग करते भी आए हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर, एंड इसका कोई भी अगर पार्ट काट दोगे, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट कि ये रीजनरेशन का जो आपका प्रोसेस है ये किस फेज में आ रहा है। और कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक आपकी होती है बच्ची वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू होती हैं, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, कॉनिडिया और बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन वी आर गोइंग विद अ डीप देन वी विल टॉक अबाउट दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बच्चे आपकी बात करूं, so how you are going to define asexual reproduction in one go? Sexual reproduction की बात करती हूं तो मैं ये कह देती हूं दो gametes involved होते हैं। अब बहुत सारी चीजें आती हैं asexual reproduction को define करने के लिए। asexual reproduction को define करने के लिए आप बहुत ज्यादा वे में अलग अलग तरीके से आपका sequences of steps अलग हो जाते हैं, आपकी वायबिलिटीज अलग हो जाती हैं, आपके उनके मेथड्स अलग हो जाते हैं, आपके ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वेरी हो जाते हैं, एक आपके उनके तरीके अलग हो जाते हैं। कुछ बुक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ही टर्म है, और कुछ बुक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चे आपकी अलग अलग टर्म डिफाइन की गई है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है, वेयर गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। जहां पे आपके गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते
उनको आप बोल देते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पे आपके गेमेट्स इन्वॉल्व होते हैं विद द टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स या दो पेरेंट्स के बीच के जो इंटरेक्शन है गेमेट्स की, जब वो इन्वॉल्व होते हैं, आप उन चीजों को बोल देते हो, क्या बोल देते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंपली डिफाइन करूं, सो वेयर गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। अब गेमेट्स क्या होते हैं, गेमेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर गेमेट्स, गेमेट्स क्या होते हैं, एनीवन? अगर मैं गेमेट्स की बात करूं तो गेमेट्स बच्चे वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर एग, योर स्पर्म्स, योर एनी स्पेशलाइज्ड सेल, कोई भी आपका स्पेशलाइज्ड सेल जो स्पेशली न्यू ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर स्केच बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक वो बॉडी जिसके अंदर ये टेंडेंसी है टू फॉर्म द न्यू बॉडी एंड विच प्योरली कंटेन द पैकेट ऑफ जीन्स एंड द होल इंफॉर्मेशन अबाउट वन कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पर्सन टू अनदर कैरेक्टर स्केच, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल गोइंग टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पैक्ड होती है एंड दिस विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन थिंग टू द अनदर थिंग। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी और थोड़ी सी इन बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देयर आर द मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं सबसे पहले आपके लाइफ स्पैन्स के ऊपर बात करती हूँ, लाइफ स्पैन्स को लेके, तो अगर मैं लाइफ स्पैन्स को लेके बात करी हूँ, तो देयर आर एनसीईआरटी में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लाइफ स्पैन से रिप्रोडक्शन को जिसके लाइफ स्पैन से रिप्रोडक्शन को क्लब अप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट 75 इयर्स उसका लाइफ स्पैन है, डॉग का 12 टू 25 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। ऐसे ही अगर बटरफ्लाई की बात की जाए तो बच्चे बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो 60 इयर्स, अगर राइस प्लांट की बात की जाए बच्चे तो दैट इज 50 इयर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हॉर्स की बात की जाए तो अराउंड 50 इयर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका टॉर्टोइस की बात की जाए तो दैट इज 100 टू 150 इयर्स। अगर मैं आपके रोज बड की बात करूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोज बड एंड रोज प्लांट, दैट इज 10 इयर्स। ठीक है, एंड इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट रोज बड दैट इट इज 2 to 3 वीक्स, एंड इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट क्रो अगर मैं क्रो के बारे में बात करूं तो बच्चे क्रो इज योर 15 इयर्स। अगर मैं ऐसे ही पैरट की बात करूं तो पैरट का 140 इयर्स। अगर मैं आपके बच्चे फ्रूट फ्लाई की बात करूं, सो भी बच्चे आपका फ्रूट फ्लाई है 1 month ओनली। अगर मैं आपके अगेन बैनियन ट्री या फिस्कस विंजलरस की बात करूं तो बैनियन ट्री में आपका अप्रॉक्स 150। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आपका कौन से लाइफ स्पैन, ये तो बच्चे आपके लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये लाइफ स्पैन में हर साल रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये हर महीने रिप्रोड्यूस करते हो, दे कैन बी, इट कैन बी लाइक दे कैन रिप्रोड्यूस वंस अ मंथ, दे कैन बी, इट कैन बी लाइक दे कैन प्रोड्यूस 12 इयर्स इन 12 इयर्स वंस,
12 साल में एक बार, 22 साल में एक बार, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन देयर रिप्रोडक्शन पीरियड इज नॉट फिक्स और इट विल बी फिक्स इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो कैसे करूंगी, ठीक है? अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो कैसे करूंगी? सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सो इट इज यूनिपैरेंटल का मतलब बॉक्स में लेके यू कैन बी इट कैन बी लाइक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, ठीक है? सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? सो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली बाय पैरेंटल, दो पेरेंट्स होते हैं, बाय मतलब दो, यूनि मतलब एक, जैसे यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, अगर मैंने उसमें बाय लगा दिया, ट्राई लगा दिया, सो इट्स 1 2 3, ओके? बट एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, सो इट कैन आल्सो बी कैन बी यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यूनिपेरेंटल, ओके? इट कैन बी यूनिपेरेंटल। अब अगर मैं और बात करूं तो एक टर्म, अगर मैं इसको और ब्रीफली बात करूं तो सेकेंड फीचर अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेती हूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड फीचर मैं लेती हूं, इट इज जनरली सोमैटोजेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहले इसको लिख लेते हैं, इट इज जनरली सोमैटोजेनिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली सोमैटोजेनिक, एंड व्हाट इज इट मीन, एंड इट इज जर्मिनल। अब अगर मैं बोलूं सोमैटोजेनिक और जर्मिनल में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे सोमैटोजेनिक का मतलब ये होता है कि ओनली वन सेल कैन हैज द टेंडेंसी, और मतलब अगर वो जो रिप्रोडक्शन यूनिट थे आपने किसी भी प्लांट पे रख दिए, या अगर आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराने की कोशिश की, सो इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन जर्मिनल का मतलब क्या है, यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट, एक वायबल पीरियड टू द गैमेट्स टू फर्टिलाइज और टू मूव ऑन विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जर्मिनल में बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सोमैटोजेनिक, मींस द मेसेनकाइमल सेल्स, द टोटिपोटेंट सेल्स व्हिच हैव द कैपेबिलिटी कि वो एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट की जगह कहीं कोई भी एटमॉस्फेयर में आपके सर्वाइव कर सकते हैं। बट अगर मैं जर्मिनल की बात करूं तो जर्मिनल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके जर्मिनल मतलब उसमें एक पूरा प्रोसेस होगा, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, सो इट इज द सीरीज ऑफ टेस्ट, इट इज गिवन टू द स्पेसिफिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट फीचर अगर मैं आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं आपके नेक्स्ट फीचर की बात कर रही हूं, ठीक है, तो कैसे और कैसे डिफाइन करूंगी, मियोसिस नॉट अकर, मियोसिस नहीं होती इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस अकर ओनली वंस इन लाइफ स्पैन, एक बार मियोसिस जरूर होगी इन लाइफ स्पैन में। हर
सेल में दे डोंट रेजिस्ट द पावर कि मियोसिस हर सेल में हो. मियोसिस नॉट अकर इन केस ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इफ आई टॉक अबाउट एनी फर्दर, अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो फर्दर ही आपकी मियोसिस नहीं होती इन केस ऑफ योर एसेक्सुअल. और सेक्सुअल में आपकी एक बार लाइफ स्पैन में, वेदर अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स में कि वो आपका हो रही है या नहीं हो रही है. अगर मैं ह्यूमन बींग्स के बच्चे बात करूं तो ह्यूमन बींग्स की में जब आपका एक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है तब आपकी ये सारी मियोसिस होती है. जरूरी नहीं कि आपके हर सेल में, हर डिवीजन में, हर सेल डिवीजन में मियोसिस हो. अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस का मतलब ये होता है 1 से 4. माइटोसिस की बात इसमें भी होता है, बट देयर इज आल्सो वन प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस. तो जो ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है दैट इज 1 से 2. बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर स्पेसिफिकली फॉर मियोसिस, दैट इज इट डू नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस विल ओनली अकर इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डज नॉट अकर. कोई नया इंडिविजुअल नहीं होता. इसको मैं सिंपली बोल सकती हूं वेरिएशन कांट बी सी. वेरिएटेड कोई नहीं होता. जैसा पेरेंट है उस पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी. बट अगर मैं इसमें बात करूं फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग होगा. किसका रिजल्ट होगा? वो रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. मेल फीमेल. न्यू फ्यूजन जाइगोट. ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल यूनिट विद यूनिट विद सेम कैरेक्टर स्केच अकर. ठीक है, और इसके फीचर है डज नॉट इंक्लूड वेरिएबिलिटी. ऑब्वियसली अगर मॉर्फोलॉजिकल सेम एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं तो वेरिएशंस नहीं होंगी. इंट्रोड्यूसेस डीएनए वेरिएबिलिटी. DNA की variability, it's kind of important, so just mark with a star group. और क्या होता है next? Adaptability and evolutionary significance. Significance
सिग्निफिकेंस इज इम्पोर्टेंट। अब हम थोड़ी सी एक इस पे बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट एंड एब्सेंट, अगर इसके डीएनए में ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस को अडैप्ट कर पाए, तो हाउ इट विल शो द वेरिएबिलिटी। और अगर ये वेरिएबिलिटी शो ही नहीं कर पाएगा तो ये कैसे, अगर ये वेरिएबिलिटी शो ही नहीं कर पाएंगे ये ऑर्गेनिजम्स, तो ऑब्वियसली इसमें एवोल्यूशनरी आपके सिग्निफिकेंसेस और अडैप्टेबिलिटी अडैप्टेबिलिटी सारी नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी कंपैरेटिवली, अगर मैं आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो ये जितनी भी एंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनके डीएनए में क्या होती हैं बच्चे, वेरिएशंस होती हैं। जितने भी इनके डीएनए होते हैं इनमें क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। सो दैट्स व्हाई जो ये वेरिएशंस होती हैं, इनकी वजह से ये सारा अडैप्टेबिलिटी, आपका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंसेस, सारे इनमें वेरिएशंस होती हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे इसमें आपका मियोसिस का, ठीक है। मियोसिस का, माइटोसिस का, इसका सिग्निफिकेंस है वो जब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन यूनिट करेंगे, वी विल डिस्कस इन दैट पार्ट कि उसमें जो आपका मियोसिस माइटोसिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों इतना सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम लोग एक एक करके आपके एसेक्सुअल मेथड्स के बारे में बात करने लगेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोगों ने अब तक डिफरेंशिएट कर दिया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट योर टू डिफरेंट यूनिट्स और द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इन द डिफरेंट गो। सबसे पहले अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन बायोलॉजिकली और थियोरेटिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है ये, एक मोड है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का, या इसको एक चीज और बोल सकती हो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटी बच्चे क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच न्यू इंडिविजुअल develop from a single, box में ले लो ये single parent without involving को भी box में ले लेंगे, without involving production and fusion of gametes, very important, इसको भी box में ले लेंगे, ठीक है। fusion इसमें एक चीज और add कर लो, fusion of gametes या sex cells, ठीक है। गेमेट्स का मतलब क्या होते हैं, स्पेसिफिकली वो सेल। अब जैसे आपके हार्ट के सेल्स अलग होते हैं, आपके लिवर के सेल्स अलग होते हैं, हेपेटोसाइट्स कार्डियक सेल्स आपके ब्रेन के अलग सेल्स होते हैं, ऐसे ही आपके लिवर के अलग, आपके इंटेस्टाइन के अलग सेल्स होते हैं, आपके मसल्स के अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे जो स्पेशल सेल्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, आप उनको कह देते हो गेमेट्स। इन गेमेट्स में बच्चे सारे बॉडी की इंफॉर्मेशन, जैसे कहते हैं ना की कोड,
आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपको की कोड होता है, जैसे आपने AIPMT का एग्जाम, जैसे आपने ITG का एग्जाम दिया, उसके बाद आपको एक की कोड मिलता है उन सारे क्वेश्चन का, ए का बी, बी का सी, ऐसे आंसर्स दिए जाते हैं. सो इन दीज गैमेट्स द सेक्स सेल्स दैट यू हैव, दैट इज फॉर, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो स्पर्म्स एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली, तो इनमें आपका सारे बॉडी का की कोड होता है कि बच्चे इंडिविजुअल का हेयर कलर कैसा होगा, इंडिविजुअल की आंखों का कलर कैसा होगा, उसका स्किन का कलर कैसा होगा, यही सारी इंफॉर्मेशन आगे वाली जनरेशन को जानी है. उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्टाउट होगा, वो स्लिम होगा, वो फैट होगा, उसके मसल सेल्स कैसे होंगे. कभी भी बच्चे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर आपसे सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछता है. आपके घर में किसी को डायबिटीज तो नहीं थी, आपके घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपके आपके घर में किसी को ये तो नहीं था, एलर्जिक तो नहीं था. वो ऐसे क्यों पूछता है बेसिकली, क्योंकि कोई भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले ही वॉन्टेड टू नो कि जो आपके पास जीन्स ट्रांसफर हुए हैं उनमें क्या ये टेंडेंसी हो सकती है कि अगर मैं कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ आप उससे एलर्जिक हो. वो ऐसे क्यों पूछता है, वो बेसिकली इससे पूछता है क्योंकि अगर आपके घर में, अगर वो आपका एक फैमिली चार्ट बनाएगा, आपने एक पेडिग्री चार्ट, हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, तो आपको एक फैमिली चार्ट बनाना सीखोगे. उस चार्ट में बच्चे आप ये देखोगे कि आप कैसे इंटरलिंग हो अपने एंसेस्टर से. बच्चे एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप क्या देखते हो, आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर. अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बच्चे, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज द मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है. अब आप मुझे सोच के ये बताओ दिमाग में कि डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, ऐसा क्या है. अब डीएनए को हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं और हम ये क्यों कहते हैं कि डीएनए इधर से उधर पास ऑन हो रहा है, तो मेरा एक रिप्रोडक्शन का. अब बच्चे डीएनए के पास, डीएनए एक वो आर्किटेक्चर होता है हमारी बॉडी में जिसके पास ये सारा की कोड होता है कि हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, एलेनिन, ग्वानिन, प्यूरीन, पिरामिडीन, इनका जो लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये किस सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, कैसे सीक्वेंस में बैठे हैं. क्योंकि बच्चे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का होता है ये डिफरेंट टू डिफरेंट वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ये वेरी करता है. अब अगर ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक वेरी करता है, इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है कि आप एक यूनिक कैरेक्टर हो, आप एक न्यू इंडिविजुअल वेरिड कैरेक्टर हो. अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो एसेक्सुअल प्लांट्स में जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे ही तो मैं बात कर रही थी आपके गैमेट सेल्स की, तो गैमेट सेल्स स्पेशलाइज उस काम के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस काम के लिए होते हैं जो आपके आके आगे आके आपका रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑब्वियसली ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये एवोल्यूटेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एवोल्यूटेड प्लांट्स में होते हैं, सारे बेसिक प्लांट्स में ये लैक फंक्शन होता है, इसीलिए वो सारा एवोल्यूशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, दूसरा फीचर अगर मैं आपका एसेक्सुअल का लिखूं तो इसमें मैं लिख सकती हूँ बच्चे, मैंने आपको मियोसिस वाला फीचर हम लोगों ने, मियोसिस डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपकी मियोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस क्या होती है आप बताओ मुझे. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऑल डिवीजन, बताइए, सोचिए सोचिए कि मियोसिस होता क्या है, मियोसिस क्यों नहीं हो सकता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. क्यों, सेल डिवीजन तो होता ही है ना. सेल डिवीजन का मतलब है, ठीक है, आपके पास स्पेशलाइज सेल्स नहीं है, गैमेट्स नहीं है जो फ्यूजन हो उनका और यूनिपेरेंट होता है, लेकिन मियोसिस क्यों नहीं हो सकता भाई, एक सेल से चार सेल क्यों नहीं बन सकते. जो मियोसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस, अभी बात करते हैं इस पे, बट लेट मी कंप्लीट फॉर. ऑल डिविजन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइटोटिक डिविजन्स.
ऑल डिविजन्स आर, माइटोटिक डिविजन्स, AIPMT में कई बार ये क्वेश्चन उठे हैं. ठीक है, सो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक डिविजन्स, देन माइटोटिक का बच्चे मतलब क्या होता है? वन सेल विल बी गो थ्रू टू टू सेल, एक सेल से दो सेल बनाना. इसका मतलब माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन. और अगर मैं मियोसिस की बात करूं, मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन. अगर ये दो बात करूंगी, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन में, तो बच्चे इसमें आप ये देखोगे कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्यों आगे फर्दर ऑन माइटोटिक डिवीजन है. एक सेल से जो सेल डिवीजन होगी वो एक सेल से दो सेल बनेंगे, ना कि एक सेल से चार. क्योंकि एक इंफॉर्मेशन बच्चे देखो, asexual reproduction, this is very important to know that how your asexual reproduction and sexual reproduction is meiotic and meiosis. पहली चीज अगर मैं बच्चे ये कहूंगी कि अगर आपको किसी चीज को आधा बांटना है, ठीक है, मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन है या मेरे पास एक ही फ्रूट है, ठीक है, एक ही फ्रूट को मैंगो है और मैंगो को मुझे हाफ करना है, तो मेरे दो दो मैंगो के स्लाइसेस हो गए, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एक पूरा वाटरमेलन है, मैं उसको हाफ कर सकती हूँ, मैं उसको वन फोर्थ भी कर सकती हूँ, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटरमेलन का साइज बहुत बड़ा होता है और मैंगो का साइज इतना बड़ा होता है. तो अगर मैं मैंगो को 1/4 हिस्सों में बांट देती हूँ, 1/4 हिस्सों में बांट देती हूँ, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मेरे पास सिंगल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है. इन द सेम केस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका यूनिपैरेंट होता है. यूनिपैरेंट का मतलब है उसके पास एक ही गैमेट होगा, या तो वो मेल का होगा या तो वो फीमेल का होगा, और उसी इंफॉर्मेशन को आपने डबल करना है, उसको रिड्यूस नहीं करना. समझ में आ रही है? जो इंफॉर्मेशन पेरेंट के पास है, यू आर गोइंग टू डबल द इंफॉर्मेशन आपको अगर ऑफस्प्रिंग बनाना है. लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात कर रही हूं, तो अगर आपके पास दो टाइप की इंफॉर्मेशन है, एक आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके मेल्स होते हैं, एक आपके फीमेल्स होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आपने हाफ करके एक इंडिविजुअल में बनाना है. दैट मींस कि अगर आपका एक मियोसिस है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन चार में चली जाएगी. ये जो आपका जायगोट बना, इसके पास दो इंफॉर्मेशन होती है. किसकी किसकी? एक होती है मेल की प्लस फादर, प्लस फादर दैट इज मेल, एंड मदर दैट इज फीमेल, ठीक है. अब ये दो इंफॉर्मेशन होती है. अब ये फॉर एग्जाम्पल, ये मेल की 1/2 हो गई इंफॉर्मेशन, ये फीमेल की 1/2 हो गई, ये मेल की 1/2 हो गई, ये फीमेल की हो गई. ऐसे ऐसे चार सेल्स बनते हैं. अब कोई भी दो सेल्स 1/4 इंफॉर्मेशन मेल के, 1/4 इंफॉर्मेशन फीमेल के कंजॉइंट होके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि इसके पास, इसके लिए आपके पास दो टाइप की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट थी. ये नहीं था आपने, और ये जो 1/4 इंफॉर्मेशन होती है, यही स्पेशल कैरेक्टर होता है आपका वेरिएशन का. दिस इज किंडा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे, एंड वी विल गोइंग टू मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेजेस ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We'll talk about in the next class somatogenic reproduction. We'll talk in brief ki somatogenic reproduction aur germinal reproduction mein kya farak hai. Aur we'll talk in the further detailing with a diagrammatic view of meiosis and mitotic in case of asexual reproduction and sexual reproduction. So we'll ending up the session for now. For this, you're going to revise the all character sketch features of reproduction, asexual reproduction and your sexual reproduction and the modes of reproduction.
if you are learning for your AIPMT exam or your CBSE exam, you have to go through all the basic examples and the diagrammatic examples of NCERT for cracking any competitive exam. So thank you, and we'll continue in the next session. Thank you. Thank you.